मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया। मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेयोनीज मैक्रोनी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है और ये बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आती है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी उबली हुई मैक्रोनी, दो बड़े चम्मच मेयोनीज़, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक गाजर बारीक कटी हुई, एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 8-10 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच रेड चिली सॉस और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें हम लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डालेंगे और तेज आंच पर 2 मिनट तक भूनेंगे। प्याज भुन जाने के बाद उसमें हम टमाटर, शिमला मिर्च, और गाजर डालेंगे। तेज आंच पर इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद उसमें हम आधी चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद उसमें हम उबली हुई मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी डालकर उसे हम सब्जी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे। और इसे भी हम मैक्रोनी के साथ मिला देंगे। फिर हम इसमें 2 बड़े चम्मच मेयोनीज डालकर सारी सब्जियों के साथ हम मैक्रोनी को मिला लेंगे। उसके बाद उसमें हम आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और धनिया पत्ता डालकर सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।